हेलो दोस्तों, सारा फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि कैसे सादे ब्लाउज़ के कपड़े को हम कुछ चीज़ें ऐड करके बहुत ही प्यारा सा लुक दे सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने कैनवास रेडी करके रखा हुआ है। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमने ये जो गला है बैक साइड का, वो हमने कटिंग करके रखा हुआ है। इसकी जो गहराई है वो हमने 12 इंचेस ली है और चौड़ाई आप 2.5 लेकर से 3 इंच तक ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो हमने इसकी लंबाई ली है 4.5 और 4 इंच चौड़ाई ली है कैनवास की, ठीक है। तो इसमें अब ये नीचे से हम 2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे जहाँ से हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे इस पर। तो ये देखिए, इस तरह से इसको गोल लुक, जैसे पत्ती का या बटरफ्लाई का, जैसे हम विंग्स बनाते हैं उस तरह से ये आपको गोल लुक दे देना है, ठीक है। इस तरह से आपको एक डिज़ाइन बनाना है और इसको आपको संभाल के कटिंग भी कर लेना है। ये देखिए, इस तरफ से ओपन साइड से कैनवास के आप कटिंग शुरू करें, अदरवाइज़ जो है ये छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये देखिए, हमारा डिज़ाइन कट गया है कैनवास पे। अब इस तरह से कपड़े को, जो हमारा हम इसको रेडी कर रहे हैं, कपड़े पे रख के इसको मोड़ लें। ये कच्ची सिलाई लगा लें एक यहाँ पे और कपड़े को उल्टी साइड ऊपर रखें कैनवास की तरफ करके, इस तरह से, ठीक है। और ये देखिए, हमने गला काटा हुआ था तो उसका जो कपड़ा बचा है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से नीचे बैक साइड पे बनाएंगे उसको। तो ये सिलाई करने से पहले इसकी साइड की सिलाई इसको कर लें और कैनवास पे सिलाई ना करें, क्योंकि हम इसको सीधा करेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। ध्यान रखें और वहाँ पे अच्छे से दबा के इसको मोड़ें, अदरवाइज़ वहाँ मशीन की तरफ से कट कर लें इसको। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब जो है, हम इसके बीच में जो ये डिज़ाइन है यहाँ पे हम सिलाई चलाएंगे। एक बार मैं फिर बता रही हूँ कि कैनवास पे सिलाई नहीं करनी है आपको, उसके बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई करनी है, ठीक है। आराम आराम से चलाएं, कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये जो लुक होगा वो आपका फाइनल लुक होगा। तो इसको प्लीज़ ध्यान में रख के आप सिलाई करें। जो इसका कट है वहाँ तक बिल्कुल आप आराम आराम से सुई चला करके लाएं, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, अब इसको सीधा कर लेंगे हम कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़े को। ये देखिए, हमने सीधा करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। ये रेडी हो गया है। ये देखिए, हमने जो बैक साइड और फ्रंट साइड है इनको जोड़ लिया है, शोल्डर जोड़ लिए हैं। और अब हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे। गोल्डन कलर का कपड़ा हम यूज़ कर रहे हैं पाइपिंग के लिए। ये देखिए, पाइपिंग लगा रहे हैं हम, और इसको बारीक बारीक बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगाते हुए आप इसमें करें तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह से प्यारे प्यारे डिज़ाइन आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपका कुछ और डिज़ाइनर बनाने का है, सोच रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, तो हम आपके लिए नेक्स्ट टाइम से वही वीडियो बनाएँगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी जो पाइपिंग है वो धीरे धीरे लग गई है। और इसको आपको, आप चाहें फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं, चाहे तो इसको आप तुरपाई भी कर सकते हैं, हमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, फाइनल लुक आपका ये आ गया है बनके, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, जो हमने ये रेडी करके रखा था बैक साइड के लिए, तो यहाँ पे भी हम पाइपिंग शुरू कर देंगे। तो इसके उल्टी साइड पे आप रख के एक, इसको हम डबल नहीं लेंगे पाइपिंग के कपड़े को, सिंगल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगाते हुए आपको सिलाई लगानी है यहाँ पर। और ये देखिए, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल सिलाई के बराबर ही आपको छोड़ना है यहाँ पर। तो उतनी ही आपकी ये चौड़ी पाइपिंग बन करके रेडी होगी, ठीक है। अगर आप इसको ज़्यादा अंदर की तरफ से करेंगे तो जो पाइपिंग है वो कुछ ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, अब इसको इस तरह से मोड़ के, ये जो बीच में जो कट है इसको कट लगा लें, जहाँ पे ये वी का साइन आ रहा है, ठीक है।
अब देखिए ऐसे इसको इस तरह से मोड़ के पाइपिंग बना लेंगे हम। यहाँ पे हम स्टिचिंग कर रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल बारीक पाइपिंग बन के रेडी हो जा रही है। ये हमारा लुक रेडी है, देखिए कितना आसानी से बन गया। फ्रंट और बैक दोनों साइड पे बड़ी आसानी से, देखिए पास से दिखाया मैंने आपको। अब जो है यहाँ पे हम इसको सेट कर लेंगे इस तरह से, ऐसे, ठीक है। जितना आप ऊपर नीचे जितना गहराई आप चाहते हो उस डिज़ाइन की आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे हमने 2 इंच इसको सेंटर से रखा हुआ है, और ये देखिए पिनअप करके हमने रेडी करके अब हम इसमें सिलाई करेंगे। पिनअप करना ज़रूरी होता है कि अगर आप सिलाई करें तो कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए चारों जगह से आप इसको पिनअप कर लें, और फिर बिल्कुल किनारे किनारे पाइपिंग के आप इसमें सिलाई करें इस तरह से, ये देखिए। ये देखिए डबल सिलाई करके इसको उतार दें, और ये देखिए हमारा डिज़ाइन रेडी है। और अब मैं इसमें आपको पूरा ब्लाउज़ रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इसमें बटन भी ऐड किया है। अब हमने देखिए ब्लाउज़ में बाजू लगा ली है, पूरा एकदम रेडी कर लिया है हुक आई करके। अब मैं इसको आयरन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने आयरन कर लिया है, ये इसका फ्रंट साइड है, इसमें हमने प्रिंसेस कट यूज़ किया है, और ये इसका बैक साइड है। बाजू में हमने सेमी सर्कुलर कट का डिज़ाइन बनाया है। तो अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।